नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जनरल अफेयर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ लखनऊ के फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। तो चलते बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जो आप पीछे इमारत देख पा रहे हैं, ये है लखनऊ जंक्शन की या चारबाग रेलवे स्टेशन की। इस इमारत की खास बात यह है कि जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये शतरंज के मैदान की तरह दिखाई देती है। कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी और लखनावती हुआ करता था। लखनऊ को 1775 में अवध की कैपिटल बनाई गई, जिसे असफ उद्दौला ने अपनी कैपिटल बनाया। इसके पहले फैजाबाद लखनऊ की फैजाबाद अवध की कैपिटल हुआ करती थी। दोस्तों, लखनऊ का इतिहास में एक और बड़ा नाम है, जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी कर रहे थे, और उसमें दो बहुत बड़े निर्णय हुए थे, इसलिए इसको वो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहला था रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हु वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द आईएनसी। दूसरा, जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, द अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये आप देख सकते हैं लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट lucknow.nic.in। ये आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र, इसमें हम लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, आप ऊपर का जो एरिया देख पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है, बगल में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये आप देख पा रहे हैं लखनऊ, जो रेड डॉट डिनोट कर रहा है वो लखनऊ है। अगल बगल के जो जिले हैं बाराबंकी और उन्नाव, बछरावा, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, ये सब कुछ आसपास के जिले हैं। और ये आप हाईवे भी देख पा रहे हैं जो लखनऊ से गुजरते हैं, 24B, 56P, 25, 25A, 28, 56A। कुछ और लखनऊ के तथ्य जान लेते हैं। लखनऊ का कुल एरिया 2528 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू है। पॉपुलेशन कुछ 45,89,838 है, जिसमें से मेल जो हैं 23,94,476 और महिलाएं जो हैं 21,95,362 हैं। लखनऊ का कुल वोटर जो है वो 35,78,127 है। लखनऊ की ऊंचाई सी लेवल से है 123 मीटर या 404 फीट। लखनऊ को भूकंप की दृष्टि से मॉडरेट रिस्क पे माना जाता है, और सेस्मिक जोन में इसको तीसरे जोन में रखा गया है। लखनऊ को 5 तहसील, जो कि सदर, बक्सी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज है, उनमें विभाजित किया गया है। मलिहाबाद, बक्सी का तालाब आपने जरूर सुना होगा, ये आम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के आम पूरे विश्व स्तर पे बहुत फेमस हैं। और लखनऊ को 8 ब्लॉक, 921 विलेजेस में बांटा गया है। लखनऊ में कुल 43 पुलिस स्टेशंस हैं। लखनऊ को 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, एक लखनऊ, दूसरे मोहनलालगंज। लखनऊ से जो एमपी हैं वो हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हैं। और लखनऊ में कुल 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लखनऊ को गोल्डन सिटी ऑफ द ईस्ट, सिराज ए हिंद और कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली चीजों की बात कर लेते हैं। पहले क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से वीट, पैडी, मस्टर्ड, पोटैटोस, वैरायटी ऑफ मैंगोज, जो मैंने बताया बहुत फेमस है लखनऊ का, लखनवी आम, और मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल प्लांट्स हैं। इनके अलावा भी कई प्लांट्स लगाए जाते हैं लखनऊ में। लखनऊ क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से होता है। और इसके अलावा चिकनकारी लखनऊ की बहुत फेमस है। चिकन पे जो वर्क्स किए जाते हैं वो लखनऊ के बहुत फेमस हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनीज, टीसीएस और एचसीएल, बहुत बड़ा नाम है लखनऊ में आईटी कंपनीज का। इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनीज लखनऊ में हैं। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी लखनऊ का जाना माना है। इसके बाद एरोनॉटिक्स, एचएएल, ऑटोमोटिव के लिए आपका टाटा का जो प्लांट है, और स्कूटर्स इंडिया,
और इसके अलावा पुराने गाड़ियों का भी कारोबार लखनऊ में काफी चर्चित है। इसके अलावा मशीन टूल्स और डिस्टिलरी केमिकल्स भी लखनऊ की इकोनॉमी में काफी सपोर्ट करते हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे बिजनेस और काम हैं जो लखनऊ में किए जाते हैं। कुछ बात कर लेते हैं लखनवी आर्किटेक्चर की। बड़ा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद क्लॉक टावर, लॉ मार्टिनियर रेजिडेंसी और रूमी गेट, ये सब लखनऊ के आर्किटेक्चर को पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान देते हैं। बड़ा इमामबाड़ा की अगर बात करें हम, तो इसको बनाने में कुल 22,000 मजदूरों को रोजगार मिला था। और यहाँ का जो हॉल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है जो बिना किसी पिलर के बना हुआ है। हुसैनाबाद क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर है वो भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर है। और लॉ माउंटेनियर कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो यूरोपियन और टर्किश आर्किटेक्चर का एक मिला जुला नमूना है। और लॉ माउंटेनियर कॉलेज की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे पहला कॉलेज था जिसे मिलिट्री ऑनर दिया गया था। 1857 के विद्रोह में यहाँ के 7 से 16 साल तक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस बिल्डिंग को बचाया था और उन्हें मिलिट्री ऑनर मिला था। रेजिडेंसी जो 1857 में लोगों की को मार दिया गया था उसका प्रतीक माना जाता है। रूमी गेट भी एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चर है जिसको पूरे भारत से तारीफें मिलती हैं। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये हुसैनाबाद क्लॉक टावर की है। अब जो अदर प्लेसेस हैं जो मॉडर्न आर्किटेक्चर को लखनऊ के दिखाते हैं, और भी कई सारी बिल्डिंग आपको मिल जाएंगे लखनऊ में जो मॉडर्न आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करती हैं। और इन प्लेसेस की हम बात कर लेते हैं। बायोटेक पार्क, दोस्तों 2020 के एक स्टेट लेवल के एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है कि बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क, जिसका चित्र आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क है। इसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट, अंबेडकर पार्क, लखनऊ जू, साइंस सिटी, लखनऊ की देखने वाली चीज जगहें हैं। और लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम है। कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं। सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम लॉ के जगत में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, ये दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना एक इंस्टीट्यूशन है लखनऊ का। आप जो स्क्रीन पे एक इमारत देख पा रहे हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही एक विभाग की इमारत है। कुछ और इंस्टीट्यूशन की बात कर लें। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दोस्तों ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं चिकित्सक पढ़ाई के लिए। और ये दोनों बहुत बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के पेशेंट्स को काफी मदद देते हैं। इनके अलावा लोकबंधु हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल, लोहिया हॉस्पिटल भी जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं लखनऊ के। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट यूनिवर्सिटी का लखनऊ में ही स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका भी हेड ऑफिस लखनऊ में है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये वही की है और ये काफी आधुनिक तकनीक से लैस है। और इसके बाद कुछ और जो लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं लखनऊ में, जिसमें श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप और बीबीडी ग्रुप का काफी नाम है। इसके अलावा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज भी लखनऊ का एक स्पोर्ट्स संस्थान है जो कि काफी जाना माना है। आपको पता होगा कि जो सुरेश रैना खिलाड़ी हैं वो उन्होंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है। अब कुछ अदर फैक्ट्स जान लेते हैं लखनऊ के बारे में। दोस्तों लखनऊ
भारतीय थल सेना का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ये 1963 में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर बना। इसके पहले ये ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर हुआ करता था। दोस्तों 1962 में जो चाइना से युद्ध हुआ उसके बाद ईस्टर्न कमांड को के हेडक्वार्टर को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया और सेंट्रल कमांड की स्थापना की गई और लखनऊ को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया 1962 के बाद 1963 में। लखनऊ सिडबी का हेडक्वार्टर भी है। सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लखनऊ ने जो डिफेंस एक्सपो 2020 का हुआ था उसको भी होस्ट किया था। और लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच भी है। जो आप स्क्रीन में एक इमारत देख पा रहे हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच लखनऊ में है उसकी है। इसके अलावा भी लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, 5 CBI कोर्ट है, रेलवे कोर्ट भी है लखनऊ में। अब ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने मैप में देखा ही कि कुछ हाईवे लखनऊ को कनेक्ट करते हैं और रोडवे से उनके थ्रू आप अलग-अलग जिलों में और या इंटर स्टेट भी ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी लखनऊ के अंदर भी बहुत अच्छा सड़कों का जाल है जहाँ पे आपको साधन की कोई कमी नहीं मिलती। और जो ऐप वगैरह हैं जो ओला उबर इनकी भी पूरी पूरे हर एक क्षेत्र में उपलब्धता मिल जाती है। इसके अलावा रेलवेज का भी बहुत अच्छा जाल है लखनऊ में। कुल 14 रेलवे स्टेशन हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े भी रेलवे स्टेशन हैं जैसे लखनऊ जंक्शन जिसकी बहुत बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी है। इसके बाद मेट्रो जो साधन है एक ये जब जिस टाइम पे ये बनी थी ये बहुत सबसे कम समय में भारत में बनने वाली मेट्रो थी। हालांकि अभी ये तमगा पुणे मेट्रो के पास है और ये पहली मेट्रो है जो यूवी रेस का इस्तेमाल करेगी ट्रेन कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए। और एयरवेज का भी साधन है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसा कि नाम इसका प्रदर्शित करता है और ये बहुत बड़े शहरों को भी कनेक्टिविटी देता है लखनऊ से। अभी फिलहाल में इसका ऑपरेशन ऑपरेशनल जो दिया गया है वो अडानी ग्रुप को दिया गया है। ये आप जो सिंबल देख पा रहे हैं ये लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम हमेशा से इसको हमेशा से इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।